हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर घरेलू गुलाटी के एक और नए वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको आपके शरीर में इंटरनल कमजोरी महसूस होती है, यदि आपका शरीर दुबला पतला है, तो आप कैसे अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं और आसानी से मिलने वाली घर पर कुछ चीज़ों से अपने शरीर को स्ट्रोंग बना सकते हैं, अपनी एनर्जी पावर को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों का मैंने प्रयोग किया उसमें है अश्वगंधा, आपको किसी भी पतंजलि के स्टोर से मिल जाएगा। दूसरा है मूंग की दाल, जो मूंग होता है उसका आपको मूंग लेना है, खड़ा मूंग, मतलब इसकी दाल नहीं, खड़ा मूंग आपको लेना है। ये खड़ा मूंग मेरे पास रखा हुआ है। तीसरा है चने, चने जो ग्राम होते हैं आपको लाल वाले चने लेना, छोटे चने जिनकी मुई बाहर होती है, ये भी आपको घर पर या दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल किस प्रकार करना है मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं और आप तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो देख पाएँ और हमें लाइक ज़रूर करें, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले 25 ग्राम चने और 25 ग्राम मूंग को भिगो कर रख देना है। ये दो दिन बाद अंकुरित होंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दो दिन बाद अंकुरित होंगे, दो दो दिन के गैप में आपको रखना है। जब ये अंकुरित हो जाएँ तो आप क्या करें कि इनको अंकुरित में थोड़ा सा अश्वगंधा मिलाकर खा लें, उसके बाद आप एक गिलास दूध में थोड़ा सा अश्वगंधा और मिला लें और खा लें। अब जब आप ये खा लेते हैं, इसके बाद आपको एक्सरसाइज करना होती है या आप जिम जाते हैं तो आप इसे पचा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होता है, जो चना होता है लाल चना, ये इसकी जो ऊपर की जो मतलब इसका ऊपर का जो छिलका होता है, ये आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ाता है, आपके शरीर को हार्मोन्स भी बढ़ाने में काम करता है। साथ में जो मूंग होता है, जो आपका अंकुरित मूंग होगा, ये अंकुरित होने की वजह से आप में आयरन और जिस्का की मात्रा को बढ़ाता है। दोस्तों आपको क्या करना है कि इसमें यदि आप नहीं पचा पाते, आप जिम और एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो हरड़ आपको आसानी से दुकान पर मिल जाएगा। आप एक काली हरड़ ले लें, आप इसे ऐसे खाएंगे तो आपको तोरी तोरी लगेगी, इसलिए आप शहद ले लें और शहद में भिगो कर आप इसे खा लें, तो आपकी जो पचाने की शक्ति उसे ये बढ़ा देगा और पाचन क्रिया में तेज़ी आएगी, तो आपका जो शरीर है ये पूरी तरीके से इनकी एनर्जी को सोख पाएगा। आशा करता हूँ कि ये नुस्खा आपके लिए ज़रूर बेहद लाभकारी होगा और ये कारगर नुस्खा आप लोगों के लिए साबित होगा। आप ज़रूर लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।